मधेश मीडिया मिशन के बैनर तले दोनों देशों के पत्रकारों का हुआ होली मिलन समारोह रुपईडीहा बहराइच। पड़ोसी देश नेपाल के शहर नेपालगंज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मधेश मीडिया मिशन नेपाल के अध्यक्ष चंद्रशेखर राज त्रिपाठी ने की। दोनों देशों के पत्रकारों ने एक दूसरे से परिचय आदान प्रदान किया। उसके बाद भारत के कस्बा रुपईडीहा से आए हुए पत्रकारों को नेपाल के पत्रकारों ने पारंपरिक नेपाली टोपी और दुशाला उड़ाकर स्वागत किया। इस होली मिलन संगम कार्यक्रम में दोनों देशों के पत्रकारों ने अपने अपने विचारों को एक दूसरों से आदान प्रदान किया। नेपाल टेलीविजन के पत्रकार विजय वर्मा ने संभाषण में दोनों देशों के पत्रकारों को आधुनिक युग के साथ चलते हुए एक दूसरे से संचार के माध्यम से संपर्क बनाए रखने और आने वाले दिनों में एक दूसरे के सहयोग करने पर बल दिया। समारोह के अध्यक्ष चंद्रशेखर राज त्रिपाठी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत और नेपाल में काफी समानता है। हमारी भाषा, संस्कृति, साहित्य, वेशभूषा, खान पान सभी मिलता है। आज एक बीजारोपण हुआ है, इसे दोनों देशों के पत्रकारों को मिलकर सींचना है, जिससे वृक्ष बड़ा होकर फल और छाया प्रदान करें। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता कायम है। इस रिश्ते को मौजूदा परिवेश में एक धरोहर के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के नागरिक इस धरोहर को अक्षुण रखने के पक्षधर हैं तथा ऐसे संबंधों से दोनों देशों के मैत्री संबंध और प्रगाढ़ होंगे तथा नफरत की भावना नहीं पनपने पाएगी। बसऊ बांसुरी बजावे, जियरा डोली डोली जाए। जिन लोगों ने सुना होगा, जो लोग सुने हुए उनका ये पूरी कविता विदेश तक गए हैं, हम लोग विदेश तक सुनाई हुई। अब मैं हम विषय पर आए थे, मधेश मीडिया मिशन। वास्तव में हम जो भारत के ही पट्टी है, वो पूरी नेपाल की पूरी पट्टी से उत्तर से दक्षिण तक मिली है। तो हमारे लोगों के वेशभूषा, बोली बानी सब एक है। संस्कार, वैवाहिक संस्कार, अनुप्राशन संस्कार, जन्म संस्कार सब एक मिलत जुलत है। तो इसलिए कौन सरकार के संबंध ही, भारत नेपाल के सरकार के संबंध रहो, जनता से जनता के संबंध है। तो हम एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं, एक सिक्के के जस दो पहलू होते हैं ऐसे। पर तो नेपाल पड़ जो भारत और ईसाई, तो नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली में है, ईसाई दिल्ली में है।